हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स. अगर मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार सेम क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि लगातार तीन तीन साल सेम क्वेश्चन आते हैं या उस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक हो जाए, या फिर एग्रोबैक्टीरियम की इंपॉर्टेंस हो जाए, या फिर मेलोडिजाइम के बारे में हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपसे बार बार रिपीटेडली पूछी गई हैं. सवाल ये उठता है, ये है क्या? मैं एकदम बेसिक से चालू करूंगा कि आपने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं सुना है, और एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि जहां आपके एम्स लेवल के एआर सब क्लियर हो जाए. इसको हम एक कहानी की तरह समझते हैं. स्टार्टिंग विद द स्टोरी, क्या हुआ था? हमारे कुछ ऐसे प्लांट थे जिनका हमें नुकसान हो रहा था. नुकसान किस तरह से हो रहा था कि एक नेमाटोड है, नेमाटोड का नाम है मेलोडिजाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है ना? तो मेलोडिजाइन इनकॉग्निशिया है, ये एक नेमाटोड है. ये है जो रूट्स हैं, रूट्स किसकी? जैसे कि टोबैको प्लांट हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, टोमेटो हो गया. तो इन प्लांट्स की रूट्स को जाके वो कैप्चर करता था, और उसको वो फिर बीमार करता था. उस प्लांट को क्या करता था? डिजीज़ करता था. ऑब्वियस सी बात है, प्लांट मर जाएगा क्योंकि रूट्स को इन्फेक्ट कर रहा है. साइंटिस्ट ने काफ़ी कोशिश की उस नेमेटोड को रोकने की, लेकिन फिर वो नहीं कर पा रहे थे. तब एक नए तरीके की टेक्निक निकाली गई, ठीक है. उस नए तरीके की टेक्निक में क्या किया गया कि उन्होंने जो पेड़ है, जैसे कि टोबैको प्लांट है, समझना इस बात को, ये बेस बनाता है आपकी समझ का. ये मान लीजिए वो टोबैको प्लांट है, ठीक है, ये वो टोबैको प्लांट है. इस टोबैको प्लांट में बार बार ये नेमेटोड आके बीमारी फैला रहा था. हमने इसके जीन्स को बदल दिया. हमने क्या किया? इसके जीन्स में कुछ चेंजेस किए, कुछ फर्क किया, और उसकी मदद से अब जो नया प्लांट है, इस प्लांट को अब हमने क्या बोल दिया? ट्रांसजेनिक प्लांट. ट्रांसजेनिक मतलब समझ रहे हो ना, जीन इसके अब बदल चुके हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है. तो अब ये जो प्लांट है, ये चलो मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएं. अब ये जो प्लांट है, ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, और अब इसको जो मेलोडिजाइम है वो बीमारी नहीं फैला पा रहा है, डिजीज नहीं दे पा रहा है. तो ये बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म देखने से लग रहा होगा कि अरे यार कितनी जरा सी बात है, बस जीन्स अल्टर किए. लेकिन ये हुआ कैसे? ये जो मैं बता रहा हूं ना कि इसको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, ये बनाया कैसे? क्योंकि अब ये वाला जो प्लांट है ना, ये डिजीज रेजिस्टेंस है, इसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी. यानी कि अब ये प्लांट जो है वो डिजीज रेजिस्ट करेगा, बीमारी होने से रोकेगा, और मेलोडिजाइम अब इस प्लांट का कुछ भी नहीं कर सकता. ये चीज समझ में आई? ये है आपका आज के टॉपिक का बेसिक. और आपको एक और बात बताऊं, जो मैं कहानी के फॉर्म में इतना ईजिएस्ट बता रहा हूं, ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है. तो इसके लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बनाए रखना. नाउ अगेन आगे हम बढ़ते हैं. अब अगला मेरा सवाल कि हमने इसके जीन्स में चेंजेस लाए कैसे? देखो क्या था, इसको जो एबिलिटी चाहिए थी, इसको एक्चुअली में क्या चाहिए था, जब हमने देखा कि वो क्या तरीका है जिससे कि नेमाटोड बीमारी फैला रहा है, हमने क्या देखा, वो कौन सा तरीका है जिससे नेमाटोड बीमारी फैला रहा है, हमने ये पाया कि जो नेमाटोड है वो एक्चुअली में एक, अब नेमाटोड का ऑब्वियस ही बात है उसका खुद का डीएनए होता होगा, ठीक है. ये किसकी बात चल रही है? मेलोडिजाइम इनकॉग्निशिया की, यानी कि ये वो पैथोजन है, ठीक है. तो हमने क्या देखा, पैथोजन का जो डीएनए है वो एक एमआरएनए बनाता है, और वो जो एमआरएनए है वो आगे चल के प्रोटीन बनाता है, और ये जो प्रोटीन है यही प्रोटीन बीमारी फैलाता है. तो किसी भी तरीके से अगर हम ये प्रोटीन बनने से रोक लें तो ऑब्वियस सी बात है हम बीमारी भी रोक लेंगे. तो किसी भी तरीके से अगर हम ये प्रोटीन बनने से रोक लें तो बीमारी भी रोक लेंगे. हमने क्या किया, हमने इस स्टेप को यहाँ पे रोकने का फैसला किया कि कोई एक तरीके से हम इस स्टेप को यहाँ पे रोक दें. तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, ये जो एमआरएनए है उसके अपोजिट सीक्वेंस का. देखो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ में आएगा. ये mRNA मैंने ये बना दिया, ये वाला mRNA, ठीक है. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के. अब मुझे क्या करना है, मुझे इस mRNA को आगे प्रोटीन बनाने से रोकना है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस mRNA को एक और दूसरा हेलिक्स इसमें लगा दूँ, एक और स्ट्रैंड इसमें लगा दूँ, तो ये डबल स्ट्रैंड RNA बन जाएगा, और डबल स्ट्रैंड RNA कभी प्रोटीन नहीं बना सकता,
ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अपने जानकारी से, अपनी अकल लगा के, साइंटिस्ट की मदद से एक ऐसा mRNA बनाया जो इसके साथ बॉन्ड कर सके और इसको यहीं पे रोक सके। ये कुछ ऐसा, आपने हनी ट्रैप वाले नाम सुने होंगे, जब आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ हैं उनमें यूज़ होता है। एक कोई गुंडा रहता है, उसको रोकने के लिए कोई हीरोइन को भेज देते हैं, फिर उसे गलत काम करने से रोकती है वो। तो ये कुछ उसी टाइप की चीज़ें हैं, बस फिल्मों के तरीके से समझ लो, नॉर्मल तरीके से समझ लो, साइंटिफिक तरीके से समझ लो, सब एक ही बात है। तो ये वो बीमारी करने वाला mRNA है, हमने अपनी अपने जो सिंथेटिक लैब में सिंथेटिक तरीके से एक RNA बनाया और वो इसके साथ पेयर करेगा और इसको प्रोटीन बनाने से रोकेगा और प्लांट को बीमारी नहीं होगी। अब अगला ट्विस्ट, सर आपने ये जो mRNA है, क्योंकि बनाना इजी है, हमको करना ही क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जोड़ने, टफ काम क्या है, प्लांट के अंदर कैसे डालें, प्लांट के अंदर ये mRNA बनवाए कैसे। अब इस स्टेप को समझते हैं। तो समझ में आया ना, दूसरी स्टेप समझ में आई, पहली में तो हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया था और दूसरी में हमने इस तरीके से रोका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमने ये जो सिंथेटिक mRNA बनाया है ये हमने कैसे उसके अंदर डाला। देखो क्या था, ये था वो प्लांट टोबैको का, ठीक है, ये रहा वो टोबैको का प्लांट जिसको वो बीमारी फैला रहा था। हमें ये रहा वो RNA जो इसके अंदर पहुँचाना है, लेकिन हम वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कर सकते। तो आपने बायोटेक पढ़ा है, आपको पता होगा हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, वेक्टर की मदद लेते हैं, ठीक है ना, वेक्टर की मदद लेते हैं। तो वेक्टर से कैसे, एक्चुअली में हमने एक ऐसा दूसरा बीमारी करने वाला जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियम, हमने इसका यूज़ लिया। और हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक्चुअली में, जैसे कि मान लो, बहुत ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो ये रहा इसका प्लाज्मिड, ठीक है। अब प्लाज्मिड कहाँ होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये रहा बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ये रहा इसका मेन DNA कंटेंट, ये रहा इसका प्लाज्मिड। तो हमने क्या किया, इसका मान लो प्लाज्मिड का ये वाला जो हिस्सा था वो एक बीमारी कॉज करता था, क्योंकि ये भी अब ऑब्वियस सी बात है, जो डिजीज़ करने वाला बैक्टीरिया होगा हम उसी का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें आगे जाके डिजीज़ करने वाले की खासियत क्या होती है बैक्टीरिया की, कि वो अंदर जाके अपना प्लाज्मिड छोड़ेगा और अंदर जाके ऑटोनॉमस यानी खुद से ही रेप्लिकेशन करेगा। इसका जो DNA का रेप्लिकेशन है ये ना तो बैक्टीरिया के भरोसे है, ना हमारे ऑर्गेनिज्म जो जिसके अंदर ये जाएगा उसके भरोसे, ये खुद ही रेप्लिकेट कर लेता है, यानी कि खुद ही RNA बना लेता है अपनी मर्जी से, बिना किसी की परमिशन के। हमको भी यही चाहिए ना, और इसी तरीके से ये बीमारी फैलाता था। तो जैसे आपने देखा होगा बियर ग्रिल्स को, आपने कभी कभी देखा होगा, आपने कई सारे ऐसे जानवर पकड़ने वालों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, जैसे सांप है, सांप के अगर दांत तोड़ दिए जाएं तो क्या वो कुछ आपको हार्म पहुंचा सकता है, कुछ नहीं। ऐसे ही कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कई सारे, जैसे बिच्छू है, बिच्छू का डंक निकाल दो, क्या वो आपको कोई हार्म पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता। ऐसे ही ये वाला पोर्शन है, ये बीमारी फैला रहा है, अगर मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया, अगर मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया तो देखो ये कैसा दिखेगा, अगर मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया और इस वाले पोर्शन की जगह, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अपने मर्जी का, अपने फायदे का, ये रहा मेरे फायदे वाला RNA, ये वाला RNA जो मुझे इसके अंदर भेजना है ताकि ये उस वाले mRNA से कॉपी, जो डबल वो बॉन्ड बना ले, बॉन्ड बनाने के बाद वो उसको स्टेबल कर देगा और प्लांट को बीमारी होने से रोकेगा। तो ये मेरे पसंद का RNA, मैंने क्या किया, ये एरिया जहाँ पे ये बीमारी फैलाता था वो मैंने प्लाज्मिड से लिया, इसको TI प्लाज्मिड बोलते हैं, बिकॉज ये जो है ये बीमारी फैलाता है, क्राउन गॉल डिजीज़, एक तरह का कैंसर होता है, और कैंसर को हम और क्या नाम देते हैं, ट्यूमर, इसीलिए इसको TI प्लाज्मिड बोला जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो हमने इसका क्या किया, इस प्लाज्मिड का डंक निकाल लिया, इसके जहरीले दांत निकाल लिए, बीमारी करने वाला DNA निकाल लिया और क्या डाल दिया, हमारे काम का अच्छा वाला DNA। अब इसी एग्रोबैक्टीरियम को हम प्लांट के अंदर खुद ही डालेंगे, फिर ये प्लाज्मिड प्लांट के अंदर रूट्स में जाएगा और रूट्स में जाके जो, अब देखो फिर से मैं वही कहानी सुना रहा हूँ, प्लाज्मिड रूट्स के अंदर जाएगा, ये रही रूट्स, ठीक है। तो इमेजिन करके चलो ये एक मोटा हिस्सा मैंने रूट का बना दिया, ये रूट का एक मोटा हिस्सा, यहाँ पे वही नेमाटोड का mRNA आएगा, ये कौन सा mRNA, जो बीमारी फैलाने वाला है, ये वो वाला mRNA है,
और अब हमने ऑलरेडी एग्रोबैक्टीरियम की मदद से अच्छा वाला एमआरएनए अंदर पहुंचा दिया। अब इन दोनों के बीच में पेयरिंग होगी। क्यों होगी पेयरिंग? क्योंकि ये इसको अपने साथ जोड़ लेगा और बोलेगा भाई चलो अपन डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते हैं, और फिर ये दोनों एक सिंगल इस टाइप का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे और बीमारी नहीं होगी, जो प्लांट है वो डिजीज़ फ्री रहेगा। मैं एक और बार डिक्टेट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्टिंग से बताता हूँ, सबसे पहली कहानी थी हमारे पास एक टोबैको का प्लांट था। टोबैको प्लांट में बार बार बीमारी कर रहा था। कौन कर रहा था? मेलोडिजाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है ये। अब हमने क्या किया, हमने एक्चुअली में इस वाले नेमेटोड को रोकने का एक तरीका निकाला। तो हमने इसको प्रोटीन बनाने से रोका। प्रोटीन बनाने से कैसे रोका? इसका जो एमआरएनए है उसका जस्ट अपोजिट सीक्वेंस वाला आरएनए हमने खुद लैब में बनाया और टोबैको प्लांट के अंदर डाला, ताकि वो जैसे ये रूट्स में पहुंचेगा, इसके एमआरएनए का और हमारे बनाए हुए एमआरएनए का वो बॉन्डिंग हो जाए और वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना ले, जैसा कि मैंने अभी बनाया था। अब हमारे पास अगली चुनौती ये थी कि हम उस अपने सिंथेटिक आरएनए को जो हमने लैब में बनाया वो अंदर कैसे पहुंचाएं। तो हमने मदद ली वेक्टर की मदद से। हमने क्या किया, उसको आरएनए को अंदर पहुंचाया। कैसे? हमने वेक्टर लिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन। इसका जो प्लाज्मिड है वो किसी भी बॉडी के अंदर जाए खुद से रेप्लिकेट करता है। हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और ये जो बीमारी करता था, ट्यूमर वाली बीमारी, वो वाले डीएनए निकाले, अपना अच्छा वाला डीएनए लगाया और रूट्स के अंदर डाल दिया। फिर जैसे ही उस डीएनए आरएनए बनाया, वो अच्छा वाला आरएनए था, उस अच्छे वाले आरएनए ने इस बुरे वाले आरएनए के साथ बॉन्ड बना लिया और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया, और इसीलिए प्रोटीन नहीं बन पाया और प्लांट डिजीज़ फ्री रह गया। ये सारी नॉलेज आपकी सारी बुक्स में दी हुई है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सवाल ये भी उठता है कि इस टेक्निक को, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके को हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक बोलते हैं। अगर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो वो अभी रहने देते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। लेकिन जितना आपको समझ में आए कहानी के फॉर्मेट में बेस्ट है। कोई इतना अच्छा स्लाइड नहीं है, कोई इतना अच्छा ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको सारी चीज़ें समझा सके। मैंने ये जितना भी है सब कुछ पढ़ा दिया है, एक भी सिंगल वर्ड छूटा नहीं है, सब कहानी के फॉर्मेट में बताया, सारी की सारी कहानी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। डायग्राम अगेन सेम चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जब हम ध्यान देते हैं तो हमने यही सेम चीज़ सोची कि क्यों ना हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाएं, क्योंकि वो तो नेमेटोड रेजिस्टेंट हो। अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमने जो इतना मेहनत की एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर, क्यों ना हम मेलोडिजाइम इनकॉग्निशिया के ही अंदर वो बुरा वाला डीएनए निकाल के अच्छा वाला डीएनए डाल दें। मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आप एक चीज़ बताओ, इतने सारे नेमेटोड हैं दुनिया में, कौन सा वाला नेमेटोड किसको बीमारी करेगा ये कैसे पता चलेगा? ये फ़र्क है ना। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे मेरे से पूछते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की अगर मैं बात करूं तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। कोई एक इंसेक्ट है, बार बार आके प्लांट को, उसकी लीव्स खा जाता है, प्लांट को खा जाता है, नुकसान होता है, तो ये उसे रोकने का तरीका है। रोकने का तरीका आप कैसे है, देखो समझो। बहुत अच्छा समझ में आएगा, एक बार में समझने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ कि मान लो, यहीं से ही देख लेते हैं, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, इसको बाद में समझेंगे। ये रहा वो प्लांट, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आएगा। ये रही इसकी लीव्स, इंसेक्ट आया और इंसेक्ट ने इसकी लीव्स पे अटैक कर दिया, ठीक है। इंसेक्ट आया और इंसेक्ट ने इसकी लीव्स पे अटैक कर दिया, उसको खा लिया। तो अब देखो होगा क्या, एक्चुअली में ये जो प्लांट था ये नॉर्मल प्लांट नहीं था। कौन सा प्लांट था? ट्रांसजेनिक प्लांट। कौन सा प्लांट था? ट्रांसजेनिक प्लांट। और इसके अंदर स्पेशल टाइप के टॉक्सिन थे, प्लांट के अंदर स्पेशल टाइप के टॉक्सिन थे। टॉक्सिन क्या होता है? हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो वो टॉक्सिन क्या करेंगे, वो एक्चुअली में, अब इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो इसके बॉडी के अंदर एक गट होगी, गट यानी कि इसका इंटेस्टाइन। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो टॉक्सिन है ये इसके इंटेस्टाइन में जाके ऐसे बाइंड हो जाते हैं, ये इसके इंटेस्टाइन में जाके ऐसे बाइंड हो जाते हैं,
उसके बाद ये परफोरेशन कॉज करते हैं, जैसे कि टाइफॉइड आपकी बॉडी में करता है ना परफोरेशन, ऐसे ये छेद कर देते हैं इंटेस्टाइन में, किसके इंटेस्टाइन में, जो इंसेक्ट इसको खाएगा। तो ये इसी तरह से इस इंसेक्ट को जान से मार डालेंगे। अब ये हमने निकाला किससे, ये जो टॉक्सिन है ये हमने बनाया किससे, उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थुरिंजिनसिस। ठीक है, सवाल अगला ये उठता है कि क्यों ये टॉक्सिन उसी ऑर्गेनिज्म को नहीं मारता जिससे हमने इसे निकाला है। इसका आंसर है क्योंकि ये एक तरह का प्रोटॉक्सिन है। प्रोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब क्या होता है, बिफोर टॉक्सिन। बिफोर मतलब क्या, कि एक्चुअली में ये इनएक्टिव टॉक्सिन है, एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव कब होगा सर, एक्टिव तब होगा जब अल्कलाइन पीएच में जाएगा। देखो पूरे इसकी बॉडी में नॉर्मल था, जैसे ही इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में आपको पता है कैसा पीएच होता है, अल्कलाइन। जब अल्कलाइन पीएच में जाएगा तो ऐसा समझो कि मान लो इसके अंदर ऊपर एक कोट है, ठीक है ना, ये प्रोटोटॉक्सिन कैसा है, मान लो ये है, ये कोट है और इसके अंदर असली टॉक्सिन है, इसके अंदर क्या है, ये असली टॉक्सिन है। अब जब अल्कलाइन पीएच आप इसके ऊपर या अल्कलाइन कोई चीज इसके ऊपर डालोगे तो ये जो वॉल है ये फिर डिजॉल्व हो जाएगी और फिर टॉक्सिन एक्सपोज हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म को मार डालेगा। ये है मैकेनिज्म और इसीलिए बोला जाता है कि ये प्रोटॉक्सिन की तरह वर्क करता है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन की तरह वर्क करता है। जब कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा, अल्कलाइन पीएच, अगेन एसिडिक पीएच टिक करके मत आ जाना, अल्कलाइन पीएच के प्रेजेंस में ये जो ऊपर का वॉल है वो डिजॉल्व हो जाएगी, टॉक्सिन रिलीज होगा, वॉल्स में छेद कर देगा, ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी। ये वो तरीका है जिसकी मदद से हमने जो बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया से डीएनए निकाला, उसका जो डीएनए है वो क्लोनिंग की मदद से फिर हमने जो प्लांट था उसके साथ टिश्यू कल्चर करवाया और वो एक प्लांट बनाया। ये वही ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसकी पत्तियां इसने खाने की हिम्मत की थी। तो ये समझ में आया ना, ये सेम वही सिमिलर स्टेप्स हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जैसे कि बीटी कॉटन सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थुरिंजिनसिस बीटी, इसमें क्या होता है, किल करता है कुछ स्पेशल इंसेक्ट को। अब जरा हम समझते हैं कौन कौन से इंसेक्ट को, ठीक है। लिपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, ये इंसेक्ट को जनरली ये टारगेट करता है। आसान तरीका, एक जिंगल बताता हूँ, लाए टोबैको आर्मी में, ठीक है, आर्मी वॉ में, वो लाए टोबैको आर्मी में काले बाबू, कोई ऑफेंड मत होना, काले बाबू देखो फुल मज़ा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा तरीका है, आपको इससे अच्छा मिले आप उससे अच्छा याद कर लेना। द चॉइस ऑफ जीन, कौन सा जीन हमको चॉइस करना है, कौन सा जीन हमको मैनिपुलेट करना है, ये हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सी है और हमारा कौन सा पेस्ट टारगेट है। नेक्स्ट, बीटी जनरली जो कोड किया जाता है वो दो तरह के जीन से, क्राइवन ए सी और क्राइ, एक्चुअली में ये जो सी आर वाई है ये वो क्राइ जीन है जो ये टॉक्सिन कोड कर रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट, द जीन सी आर वाई ए सी और सी आर वाई वे, अब आपको क्या करना है, आपको इनके नाम याद रखने, क्योंकि कई कई बार ये दे देते हैं, क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी क्या काम करते हैं, कॉटन बॉलवॉर्म को रोकने का काम करते हैं, क्राई वन ए बी कॉर्न बोरर को, ठीक है ना। तो ये सिर्फ ऐसे ही डायरेक्ट आ जाते हैं एमसीक्यू, तो आपको ये याद रखने। जीन सिंबल्स यूजुअली स्मॉल लेटर, अब ये जीन और एंजाइम के बीच में डिफरेंस बता रहा है कि अगर मान लो ये लिखा है और दूसरा आपका यहां पे, एक्चुअली मैं क्राय का आंसर दिया, मैं डीएनए जो एनसीईआरटी में दिया है उसका बता रहा हूं। अगर ये चीज लिखी है कैसे फर्क करोगे, या फिर सी आर वाई और स्मॉल में सी आर वाई, ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे। एंजाइम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा प्लस आखिरी में उसके ए एस ई आएगा, ठीक है ना। एंजाइम पहचानने का तरीका, क्योंकि एनसीईआरटी में यही एग्जांपल, इसलिए मैंने यही बताया, एंजाइम पहचानने का तरीका बहुत आसान होता है क्योंकि एंजाइम क्या होता है, हमेशा कैपिटल से चालू होता है और आखिरी में ए एस ई आता है, लेकिन जो जीन है वो स्मॉल से चालू होगा और ए एस ई उसके एंड में आना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ये वो तरीका है, ये वो मैकेनिज्म है जो मैं आपको समझा रहा था। अब एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं किसी ट्रांसजेनिक क्रॉप के। सबसे पहला एडवांटेज है पेस्ट रेजिस्टेंट होगा, जैसा कि मैंने देखा पेस्ट मर जाएगा तो क्यों खाएगा। टॉलरेंस, काफ़ी ज़्यादा टॉलरेटिंग होगा। एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि बहुत सारे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पानी तंगी है तो तुरंत ख़राब नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, जब आप इसको काट लोगे तो इसकी लाइफ लंबी होगी, ऐसा नहीं है कि दो दिन आपने रखा, महीने भर रखा और ये ख़राब हो जाए। प्रिवेंशन ऑफ अर्ली एग्जॉशन,
बहुत जल्दी जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल लॉस्ट हो जाती है कई सारे पेड़ उगाने से, वो नहीं होगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, कई सारे जैसे आपने गोल्डन राइस के बारे में सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए रिच होता है, तो वो हमने उसके अंदर क्वालिटी डाली है, इन जनरल नहीं थी। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, कई सारे हर्बिसाइड है प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे रेजिस्टेंस होगा। अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज़, कई सारे अब ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रीज़ के लिए ये रिसोर्स की तरह काम कर सकता है। और डिजीज़ रेजिस्टेंस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ये प्लांट रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि आपने देखा ना डिजीज़ रेजिस्टेंट मेलोडीजाइम में करवाया था, पेस्ट रेजिस्टेंट करवाया था। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या क्या हो सकता है। एनवायरमेंटल हैजार्ड, कैसे अनइंटेंडेड हार्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा इंसेक्ट है जो हमारे फायदे का, उसको नुकसान हो गया, तो मान लो अर्थवर्म को नुकसान हो गया तो वो तो हमारे ही को नुकसान है ना। इफेक्टिव ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो इफेक्टिवनेस पेस्टिसाइड की होती है उसको कम कर देगा। जीन ट्रांसफर टू नॉन टारगेट स्पीशीज़, अब जो जीन ट्रांसफर्ड किया है अब नॉन टारगेट स्पीशीज़ से आप कैसे टैकल करोगे, या फिर नॉन टारगेट स्पीशीज़ है उनको नुकसान हुआ तो फिर कैसे टैकल करोगे, ये प्रॉब्लम्स है। ह्यूमन हेल्थ रिस्क, एलर्जीज़ हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, आपने सुना होगा बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल आया भी था, लेकिन बीटी ब्रिंजल ने काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ कॉज कर दी थी लोगों को। इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में काफ़ी अच्छे अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, उनको नुकसान हुआ तो। इकोनॉमिक कंसर्न, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली महंगा भी ये हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसजेनिक माइक्रोब के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।